So hi everyone, this is the next question in front of us. Let's pay attention to it. The current market price of the equity shares of Redre Limited is 70 rupees per share. It may be either 90 rupees or either 50 after a year. Redre Limited एक कंपनी है जिसकी स्टॉक की प्राइस है आज 70 रुपये, कल जाके यानी एक साल बाद ये तो 90 रुपये हो जाएगी या तो 50 रुपये हो जाएगी. A call option with a strike price of either 66 rupees is available. 66 रुपये, 66 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. मतलब आप एक साल के टाइम में इस रेडर लिमिटेड के स्टॉक को 66 में खरीद सकते हैं अगर आज इस पे ऑप्शन खरीद लेते हैं तो. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल, सॉरी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल टू द इन्वेस्टर इज 10%. 10 रुपये का इंटरेस्ट रेट आपको कंसिडर करना है. एंड इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू क्रिएट अ रेप्लीकेटिंग पोर्टफोलियो इन ऑर्डर टू मेंटेन हीज पे ऑफ ऑन द कॉल ऑप्शन for 100 shares. Find out the hedge ratio, amount of borrowing, fair value of call and its cash flow position after a year. So आपको ये चार चीज़ें क्वेश्चन में निकालने बोली है. रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो थ्योरी हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमको कुछ चीज़ें निकालने बोली है. हम देखते हैं किस तरह से ये तीनों चारों चीज़ें निकाल सकते हैं, हेज रेशियो से लेके बाकी कैश फ्लो तक के. लेट्स हैव अ लुक पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस तरह से दिया हुआ है आपको. आज की स्पॉट प्राइस है 70 रुपये, ठीक है. स्पॉट प्राइस है 70 रुपये. कल को या तो वो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी. अगर ऊपर गई तो प्राइस हो जाएगी कुछ 90 रुपीज़ और या तो हो जाएगी 50 रुपीज़. इसको हम बोलेंगे SU, दिस इज़ SD, ठीक है. स्ट्राइक प्राइस जो है ऑप्शन की वो है 66 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस. अच्छा, कॉल है या पुट है ये देख लो. कॉल ऑप्शन है तो ऑब्वियसली दिस इज गुड. कॉल ऑप्शन है यानी राइट टू बाय द असेट. अगर प्राइस 90 गई तो आप एक्सरसाइज कर लोगे, अगर नहीं गई तो एक्सरसाइज नहीं करोगे. तो पे ऑफ देखो, 90 माइनस 66, दिस इज योर CU. पे ऑफ कितना होगा, 90 माइनस 66, 24. और यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, दिस इज CU, दिस इज CD. सीधी सी बात है यार, यहाँ एक्सरसाइज करोगे नहीं तो 50 रुपये में, 60 रुपये, 66 रुपीज़ में क्यों खरीदोगे जब मार्केट में प्राइस 55 चल रही. तो आप एक्सरसाइज करोगे नहीं, एक्सरसाइज करोगे नहीं तो कोई पे ऑफ होगा नहीं. ओके, लेट्स फाइंड आउट द व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट. फर्स्ट हमको जो निकालने बोला है वो है हेज रेशियो. हेज रेशियो का फॉर्मूला आपने ऑब्वियसली, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी बिफोर मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन. सो हेज रेशियो का फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था CU माइनस CD डिवाइड बाय SU माइनस SD. यहाँ देखो, SU है 24 माइनस 0, ये CD, और SU स्टॉक एट अपर प्राइस कितनी, 90 माइनस ये हो गया 50. तो 24/40 अगर आप करोगे तो आपको आएगा 0.60, दैट इज 60% इज द हेज रेशियो. मतलब हर एक कॉल ऑप्शन के लिए ये जरूर ध्यान में रखना आप, क्या होता है मींस फॉर एवरी कॉल ऑप्शन बाय 0.60 शेयर्स. यानी कि अगर आप चार कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, चार कॉल ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हो तो उसके बदले, चार नहीं, दस, हाँ मान लो ऐसे लेते हैं, 10 कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो तो 6 शेयर खरीदना, बोलने का मतलब ऐसा है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड आइटम ले लो, उसने पूछा है कि अमाउंट ऑफ बोरोइंग कितनी होगी. कैसे निकालते हैं अमाउंट ऑफ बोरोइंग, बहुत ही सिंपल. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा इंटू स्टॉक प्राइस एट लोअर लेवल माइनस कॉल प्राइस एट लोअर लेवल, यही तो फॉर्मूला. अच्छा, डेल्टा कितना निकला, 0.60. तो 0.60 इंटू 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितने मंथ्स का कॉल ऑप्शन है, पहले तो ये देखो. आफ्टर ईयर बोला है तो पूरा का पूरा 10% है, दैट इज 1.1. सो दिस विल बी योर अमाउंट ऑफ बोरोइंग, 27 रुपये 27 पैसे. इतना आपको बोरो करना पड़ेगा. कूल,
दिस इज डेल्टा। तो दो चीज़ें आपकी निकल चुकी है, और उसके बाद में बोलता है कि फेयर वैल्यू ऑफ कॉल। अब फेयर वैल्यू क्या होता है, इन दोनों का यूज़ ही तो करना है फेयर वैल्यू में भी। तो फेयर वैल्यू ऑफ कॉल देखो, एंड हाउ डू यू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ कॉल, डेल्टा इंटू स्टॉक माइनस बोरोइंग। डेल्टा 0.60, स्टॉक की प्राइस आज कितनी है 670, माइनस 27.27, 42 माइनस 27.27 इट्स 14 पॉइंट, यानी 14 रुपये 73 पैसे से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए इस कॉल ऑप्शन का। अब लास्ट वाला पार्ट लो कि मैच्योरिटी पे क्या कैश फ्लोज होंगे, कैश फ्लोज एट मैच्योरिटी। मतलब अगर आपने ऑप्शन लिया या पोर्टफोलियो क्रिएट किया, कुछ भी हो, अगर प्राइस 90 गई या प्राइस 50 गई, एक्शन। अगर आपने ऑप्शन लिया है तो आप यहाँ एक्सरसाइज कर लोगे, यहाँ एक्सरसाइज नहीं करोगे, पे ऑफ। सीधी सी बात है, एक्सरसाइज किया तो 24 रुपये मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज नथिंग बट द कैश फ्लोस। अगर आप पोर्टफोलियो भी क्रिएट करते हो तो 24 से ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। अल्टरनेटिव ले लो, अल्टरनेटिव टू फोर्थ, टाइम जीरो पे आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा प्लस कुछ अमाउंट बोरो करना पड़ेगा। बोरो आपने किया 27.27, और आपको स्टॉक कितना, सिर्फ 0.60 स्टॉक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। 0.60 इंटू 50, दैट इज 42। ओके कूल, तो 42 गए तो आपके नेट में कितना, 14 रुपये 73 जाएंगे। और यहाँ पे या तो प्राइस 90 हो जाएगी या तो प्राइस 50 हो जाएगी। अब 90 हुई तो 0.60 स्टॉक ही बेच पाओगे, तो 0.60 इंटू 90, 54 रुपये यहाँ मिलेंगे, और ये 30 रुपये चुकाने पड़ेंगे, दैट्स 24। और यहाँ आपको उतने ही 0.60 स्टॉक बेचोगे तो 30 यहाँ मिलेंगे, 30 यहाँ चुकाने पड़ेंगे, ज़ीरो। सो इधर ये 24 और 0 लो, और ये 24 और 0 लो, वन एंड द सेम थिंग। नोट डाउन दिस आंसर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन। जस्ट वॉच इट, वॉच द लेक्चर अगेन, एंड इफ यू स्टिल हैव द क्वेश्चन और डाउट, फील फ्री टू आस्क मी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू क्वेश्चन। बाय बाय।